दादव मैं प्रतीक्षा लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है पैगामे हिंद जहां हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति सभ्यता भारतीय तहजीब और उन लोगों की जिन्होंने भारतीय संस्कृति को एक नए मकाम तक पहुंचाया एक नया आयाम दिया आज ऐसे ही एक नाम पर हम चर्चा करेंगे और वो है गौतम बुद्ध जी हां गौतम बुद्ध वो नाम है जिन्होंने बुद्ध से बुद्धिज़म तक की यात्रा की और भारतीय संस्कृति को विश्व के तमाम उन मुल्कों तक ऐसे पहुंचाया मानो कि वो वहीं की संस्कृति हो लेकिन गौतम बुद्ध भारतीय ज़मीन के हैं और हिंदुस्तानी ज़मीन के हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को एक नया आयाम दिया हमारे इस प्रोग्राम में आज बातचीत के लिए हमने दो खास मेहमानों को आमंत्रित किया है और वो इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे साथ मौजूद हैं के टी एस सराव साहब जो कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी स्टडीज़ के आ, पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं प्लस में हेड भी रह चुके हैं इसके अलावा हमारे साथ युतिका मिश्र जी हैं जो कि विवेकानंद कॉलेज की हैं और इतिहास विभाग में बतौर प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे रही हैं आप दोनों का बहुत स्वागत है आज हम अपने इन दोनों खास मेहमानों के साथ गौतम बुद्ध पर चर्चा शुरू करते हैं और गुफ्तगु का हमारा विषय यही होगा कि कैसे भारतीय संस्कृति ने गौतम बुद्ध को ऐसे सराहा कि उन्होंने विश्व के तमाम मुल्कों में एक नायाब मिसाल पेश की कि आखिरकार हिंदुस्तानी तहजीब है क्या चलिए तो अपने सफर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सराव साहब आपसे जानेंगे कि बुद्ध की बुद्धिज्म तक की यात्रा जो थी शुरुआत से जो कि हमारे आ, दर्शकों को अगर आ, संक्षेप में उन तक पहुंचानी हो तो वो कैसे हम समझेंगे क्योंकि बुद्ध का जो पैगाम अमन है शांति का जो पैगाम है उसे विश्व के तमाम उन देशों ने अपनाया है जो कि युद्ध और प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं लेकिन फिर भी अमन जो है बुद्ध का वो सब ने अपनाया हुआ है जी जी दुनिया में बेसिकली जब शांति की बात की जाती है तो उसमें दो चीजों को देखा जाता है एक है मेटीरियलिस्टिक अप्रोच जिसमें हम लोग मटेरियल गुड्स को जितना ज्यादा मेरे पास आएगा हमारे पास आएगा उतना शायद मेरा फ्यूचर भविष्य जो है वो सुरक्षित रहेगा ताकत बढ़ेगी जी जी बिल्कुल और इस होड़ में जो पाश्चात्य सभ्यता ने इसको जो है प्रमोट किया है और ज्यादा 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 मटेरियल गुड्स वाली बात उसकी वजह से ही दुनिया में जो है असंतोष झगड़े और बेचैनी तरह तरह की समस्याएं जो पैदा हो रही हैं क्योंकि मटेरियल गुड्स को एक्वायर करने का कोई लिमिट नहीं है जितना भी ज़्यादा आपके पास आता है आपको और लालच बढ़ता है इसकी तुलना में भारतीय संस्कृति जिसके गौतम बुद्ध भी जो हैं एक तरह के प्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि शांति खुशी इन चीज़ों से प्राप्त हो ही नहीं सकती ये बेसिक नीड्स हैं बेसिक नीड्स जानवरों की भी होती हैं उनको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन जीवन उससे परे है बेसिक नीड्स पूरी करने के बाद असल में सही शुरू होता है वो है स्पिरिचुअल जो लाइफ में जो एटीट्यूड है स्पिरिचुअलिटी, जिसमें आप प्लूरलिस्टिक बनते हैं जिसमें आप दूसरे मजहबों को दूसरी नस्लों को दूसरे रंग के लोगों को भी एक्सेप्ट करते हैं और आपका गोल एक्वायर करना नहीं होता शेयर करना होता है बांटना है जी जी तो बुद्ध ने हमेशा इस तरह की बातों की बात की और इसी वजह से जो वो बहुत प्रसिद्ध हुए कि हमें जो है मटेरियल गुड्स की होड़ की बजाय शेयर करना दूसरों के दुख में भागीदारी बनना और उस तरह से जीना और उसी वजह से मुझे लगता है कि जो ये भारतीय संस्कृति और उसमें उसके मुख्य प्रतिनिधि जो बुद्ध रहे हैं उसमें इसी चीज़ की बात की गई और इसीलिए शायद बुद्ध को विश्व के तमाम उन देशों ने अपनाया है एक्सेप्ट किया हुआ जी एक बात युतिका मैम आपसे जानना चाहेंगे जैसे मॉडर्न uh, इतिहास जब हम uh, पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं अध्ययन अध्यापन में होते हैं तो बुद्ध चूँकि बहुत ही एंशियंट हिस्ट्री से रहे हैं वहाँ उनका अध्ययन अध्यापन किया जाता है पर बुद्ध की प्रासंगिकता आज भी खत्म नहीं होती बुद्ध को uh, मानो बुद्ध और, बुद्ध और बुद्धिज्म ऐसा है कि जो बराबर चल रहा है कोई युग कोई भी हो बुद्ध का बुद्धिज़्म जो है लगातार चल रहा है इस पर uh, बतौर हिस्टोरियन आप क्या कहेंगे आ, बिल्कुल आपने सही कहा कि उनकी प्रासंगिकता तो कभी खत्म नहीं होगी जब तक विश्व है और ये क्योंकि कुछ ऐसे शाश्वत मूल्यों को वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे सर ने भी बताया है ना आध्यात्म और मेटीरियलिस्टिक नहीं होना ये चीजें हमारी जड़ में है चाहे कोई भी धर्म हो मतलब बुद्ध तो उसके एक प्रतिनिधि है ही सबसे श्रेष्ठ हैं लेकिन सब धर्मों का आधार ये है और ये फलसफा है एक तरह का मतलब ये एक दर्शन है इतिहास में जो हमें आगे ले जाता है ये ये मानवता इंसानियत का आधार है ये हमें मानवता है हमें धर्म जो वो बुद्ध के ये सूचक है और उन्होंने उसके साथ ही हमारी संस्कृति को तो आगे बढ़ाया आई पूरी दुनिया में इसका डंका है और अगर देखा जाए तो आज मतलब आधा से ज्यादा विश्व वही बातें फॉलो सभी मतलब आ, आप अंदर से देखें क्योंकि जो भी बुद्ध जी ने कहा और आज भी जो बुद्ध का जो बुद्धिज्म का जो स्वरूप है वो अपनी आत्म शक्ति को आत्म बल को संयम को बना के रखना कम्पैशन दया भाव एक दूसरे की फिक्र चेतना है ना ऐसी ऐसी बातों पर ही आधारित है और वो उसी पर रहेगा और जैसा मैंने पहले बताया वो आ, वो कहीं जाने नहीं वाली है वाले मूल्य है ना नैतिकता की बातें सच बोलो झूठ नहीं बोलना इस पर तो इंसानियत ही भविष्य में भी इसको कोई हिला हाँ, नहीं सकता तो ये तो एक वैश्विक संपदा है बुद्ध जी ये जरूर है कि वो भारतीय उनका मूल है और वो पूरे विश्व के हो गए हैं तो इससे अच्छी और हमारे लिए क्या बात होगी कि वो हमारे वो सूचक है हमारे प्रतिनिधि हैं और उन्होंने हमको हम भारतीयता का एक ऐसा परिदृश्य बना के रखा हुआ है कि मतलब हम खुद सब उसके आ, आ, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं भारत को उनके नाम से इतनी इज्जत मिली इतनी इतनी उनकी सम्मान है और भारतीयों की आज जो स्टैंडिंग है पूरी विश्व में अब आज भी मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जो जो इस तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हैं भारत को वो उसका आधार है और वो उसी को आगे बढ़ा आगे रहे बढ़ा रहे हैं तो हम सब जो अमन का पैगाम यहाँ बताने के लिए बैठे हैं आज वो हम लोग उसी को ही आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो कहीं जाने नहीं वाला उसका जो तो। पीढ़ियां आ रही हैं वो बुद्ध हाँ। के ही विचारों को आगे अपने बढ़ा रही हैं बहुत प्रोफेसर है। सराव जैसा कि आपने कहा अभी कि जो मेटालिक चीजें हैं हाँ वो जो है बहुत ज्यादा दूसरे देशों को आकर्षित करती रही हैं एक बहुत बारीक बात जो है वो कही जाती रही है कुछ मुल्क हैं जो ये कहते हैं कि बुद्ध और बुद्धिज्म उनकी जमीन से हैं। पर मैं अपने दर्शकों के लिए स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि पूरी तरह से बुद्ध भारतीय हैं हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी तहजीब के ही प्रतिनिधि भी हैं इस पर थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालें तो आ, क्योंकि उनका जो आ, राजा से बुद्ध और बुद्ध से, बुद्ध से बुद्धिज्म तक का जो सफर था वो हिंदुस्तान की जमीन पर ही तय हुआ जी, जी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें रोशनी डालें देखिए प्राचीन काल में जब बुद्ध पैदा हुए थे और जिस क्षेत्र में उन्होंने अपनी अपने उपदेश दिए उस क्षेत्र को जम्बूद्वीप के अंदर मध्य देश से जाना जाता था मध्या देश को अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो वो है उत्तर प्रदेश बिहार और नेपाल का तराई का हिस्सा और ये कपिल वस्तु के रहने वाले थे इनके पिताजी इनकी मदर जो हैं कहा जाता है इनके ननिहाल जा रही थी रास्ते में इनका जन्म हुआ अब कपिल वस्तु जो है वो भारत में पड़ता है जिसे आजकल कल पिपर हवा गनवारिया से आइडेंटिफाई किया जाता है तो ये तो फिर कपिल वस्तु के हुए और पिपर हवा गनवारिया के और वो है इंडिया में इंडिया के हुए और इसमें एक और भी देखने वाली बात है के इनका ननिहाल और ससुराल देवदाह में था और जब ये बोधी प्राप्त करने के बाद देवदाह जाना चाहते थे तो इनके ससुर ने जो है इनको वहां जाने से मना कर दिया और मुझे ये लगता है देवदाह इंडिया में ही था हो सकता बॉर्डर के दूसरी ओर हो और सही में तो ये कपिल वस्तु के थे कपिल वस्तु भारत में और भारत के थे और बाद में विश्व के हो गए विश्व के पूरे विश्व के हो गए इसी को थोड़ा सा और अगर विस्तार दें बुद्ध की यात्रा बुद्धिज्म तक जी जी कैसे उन्होंने इसको संभव किया और दूसरे मुल्कों ने जी जी। इसको किस तरीके से अपनाया तब जबकि हिंदुस्तान की ये एक कह लीजिए कि एक प्रकृति है एक व्यवहार है कि उसने अपना कुछ कभी किसी पर थोपा नहीं जी जी, जी। लेकिन फिर भी बुद्धिज्म को तिब्बत हो श्रीलंका हो म्यांमार हो ये तमाम जो इलाके हैं उन्होंने मतलब बुद्ध और बुद्धिज्म को अपने में समाहित किया है जी जी ये इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, जी कैसे आप करेंगे, एक तो ये है कि जैसे उपनिषदों में भी कहा गया है बुद्ध की जो अपना दर्शन था वो भी इसी पे आधारित था बात है सारी दुनिया को भाईचारा माना जाता है और जैसे मैंने पहले कहा कि विश्व में दो मुख्य मुद्दे ये हैं कि आ, सुख शांति कैसे काम की जाए हमारे यहाँ जैसे मेडिटेशन में बुद्ध ने माइंडफुलनेस की बात की जिसका मतलब बेसिकली सेंसिटाइजेशन ऑफ अ पर्सन गरीब आदमी चोरी करता है तो समझा जा सकता है अमीर आदमी चोरी क्यों करता है दूसरों को परेशान करते क्योंकि वो सेंसिटिव नहीं है वो दूसरों की परेशानियों को नहीं समझता बुद्ध ने बुनियादी तौर पर इस बात की के बारे में कहा कि एक इंसान को इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ है दूसरों के साथ शेयर करें दूसरों के दुख में भागीदारी करें और तो दुनिया की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक तो मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करो सब ठीक हो जाएगा उसके विपरीत हमारी संस्कृति में जिसको बुद्ध ने जो है बार बार कहा वो ये है कि आप का कंपैशन शेयर करना कोऑपरेट करना कंपटीशन ना करना ये सारा जो है करने से जो है विश्व में शांति हो सकती है आज की दुनिया में अधिकतर जो विद्वान हैं वो इस चीज से सहमत हैं कि दुनिया में अगर शांति कायम करनी है तो जो बुद्धिस्ट अप्रोच है वो मुख्य तौर पे जो है अपनाना पड़ेगा, अपना पड़ेगा। अदरवाइज शांति हो नहीं सकती मैम जैसा कि सर भी कह रहे हैं कि पीढियां भले बदलती रही लेकिन बुद्धिज्म की जो पकड़ है जो मजबूती है वो शायद पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है इसीलिए आज भी हम यहाँ बैठे हैं और बुद्ध और बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री बुद्ध को किस तरीके से देखता है प्राकृतिक जो प्राचीन इतिहास रहा उससे अलग क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जब आप अध्ययन अध्यापन में है या आपने आने वाली पीढ़ियों को छात्रों को बताते हैं तो बुद्धिज्म बहुत ही वाइड वो है बहुत ही विस्तार का विषय रहा है मुद्दा रहा है तो इसे आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं उनको इसके लिए मुझे लगता है प्रतीक्षा जी ये समझना जरूरी है उनकी टीचिंग्स क्या थी है ना अगर उस पर आ जाए जैसे एट फोल्ड पाथ है अष्टांग मार्ग सत्य का उन्होंने के जो फंडामेंटल सिद्धांत बताएं या दुख और दुख का निवारण है ना और ये सारे मार्ग आपको निर्वाण की ओर ले जाते हैं अष्ट मार्ग है जिसमें कि आपका काम हाँ सोच विचार एटीट्यूड आप क्या करते हो आ, कैसे करोगे आ, सब कुछ माइंडफुलनेस मतलब आपकी फिक्र क्या है समाज में किस तरह से आप आ, करते हो चेतना ये चीजें सब मिला के मनुष्य को उसके गोल तक ले जाती है उद्देश्य तक ले जाती है और यही निर्वाण का मार्ग उन्होंने बताया जो उन्होंने सत्य बताया कि दुख तो है ही दुनिया में तो उसका कारण बताओ उसका निवारण उसको आप कैसे हैंडल करोगे ये ये आपका जीवन है ना तो तब आप उससे आ, चमकते हो है ना आप उसको किस तरह से हैंडल करते हो वो दिखता है इसी तरह से उन्होंने ये बताया कि भैया क्रोध बोलना करना झूठ बोलना लालच करना दूसरे का सामान अपना इस सारे उनके जो टीचिंग्स जो उनकी शिक्षाएं हैं जो उन्होंने डाउन द एजेस हम वही तो फॉलो कर रहे हैं हम और कर ही क्या रहे हैं अपने जीवन में और ये बताना बच्चों को एग्जाम्पल्स देके और अध्यापक जैसे आप बताए हम अध्यापक हैं तो हमें अपने आचरण में वो करके लाना खाना है है ना तभी बच्चे समझते एक हैं बहुत कि जो... अच्छी बात आपने कही मैम कि ये हमें लगता है ये बुद्धिज्म जो है या बुद्ध के जो विचार हैं ये हमें व्यक्तिगत तौर से अपनाना पड़ेगा निश्चित ही हाँ। क्योंकि हम अगर परिवार से ये चीज़ शुरू करेंगे कि आ, हिंसा नहीं करनी है झूठ नहीं बोलना है। या उनके जो अष्टमार्ग उन्होंने बताए हैं बुद्ध के अगर उसे फॉलो करें तो निश्चित ही एक जो मानवता का कंसेप्ट आप शुरुआत में कह रही थी वो जरूर स्पष्ट होता दिखाई पड़ेगा प्रोफेसर सराव हाल ही में प्रधानमंत्री एक संबोधन में कहते हैं हमारे आजम कि हमें युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है अगर हम जैसा कि मैम ने कहा कि मानवता परिवार छात्र पीढ़ी उन सब में भी बुद्ध एग्जिस्ट करते हैं उन सब में भी बुद्ध समाहित हैं लेकिन जब हम इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं बहुत विस्तार से देखते हैं तो भी आज बुद्ध ही जरूरत है जी अगर जी। वजीर आजम कह रहे हैं कि युद्ध नहीं बुद्ध हमारे लिए जरूरी है तो निश्चित तौर पर आज बुद्ध मतलब जरूरत है आज भी उनकी प्रासंगिकता वैसे ही है राजनीतिक में। देखिए बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है जो वजीर आजम साहब कह रहे हैं वो उसके दो बेसिक एक्सप्लेशन मुझे दिखाई पड़ते हैं एक तो ये है कि सनातन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी ये दोनों विश्वास करते हैं कि हम लोग बार बार जन्म लेते हैं अपने कर्म के आधार पर लेकिन किसी के भी धर्म की मज़हब की बुराई नहीं करनी चाहिए सारे बराबर हैं प्लूरेटी जो है बड़ी वंडरफुल चीज़ है जो बुद्धिज्म ने या सनातन धर्म में दी है इसलिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं वो ये इसलिए बहुत बड़ी अच्छी बात है सच में बुद्ध जो हैं वो बहुत रेलिवेंट हैं आज की दुनिया में अगर विश्व के दूसरे मुल्कों की बात करें तिब्बत है जापान जी, जी, है जहाँ जिस तरीके से बुद्धिज्म को अपनाया गया है ऐसा लगता है मानो कि वो उन्हीं का है बिल्कुल बुद्धिज्म को अगर हिंदुस्तानी संस्कृति से जोड़कर देखें तो हिंदुस्तानी संस्कृति की एक बड़ी खासियत रही है कि उसने कभी कोई चीज किसी पर थोपी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। है जो एक्सेप्ट करना चाहे उसको बाहें फैलाकर उसका स्वागत है उसका इस्तेमाल है सेम और बराबर अगर बात की जाए तो बुद्धिज्म में भी यही नजर आता है जी जी बिल्कुल कैसे आप इसको को करते हैं कैसे आप इसको देखते हैं कि हिंदुस्तानी संस्कृति और बुद्धिज्म लगभग पैरलर चलती है देखिए ये बौद्ध धर्म अलग है जैन धर्म अलग है ये सारी जो विक्टोरियन इंडोलॉजिस्ट जो भारत में आए थे उन्होंने हम लोगों को डिवाइड करने के लिए ये बनाई गई ये सनातन धर्म है एक पेड़ है उसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं ये अलग नहीं है और राजनीति में कुछ लोग जो हैं आज भी इनको अलग अलग दिखाने की कोशिश करते हैं ये मेरा पर्सनल व्यू है कि सनातन धर्म की ही ये सारी ब्रांचेस हैं और हमारे सनातन धर्म में जो है डिबेट को जो है जैसे मैंने कहा बहुत एम्फेसाइज किया गया है उसमें मुख्य जो मुद्दे थे वो आत्मन है ब्रह्मन है उसको कुछ लोग डिनाई करते हैं कुछ लोग उसकी एग्जिस्टेंस को मानते हैं और उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट है बुद्ध भी इस डिबेट का हिस्सा थे उन्होंने दोनों आत्मन और ब्रह्मन को माना नहीं, माना नहीं है। और दूसरे जो स्ट्रीम्स हैं सनातन धर्म की उसमें भी ऐसा ही है जैन धर्म में जैसे आप कह लीजिए कि ब्रह्मन को नहीं मानते आत्मन को मानते हैं। और सनातन धर्म में दोनों के बारे में डिबेट है इसीलिए मुझे ये लगता है कि बुद्ध को तो अलग एक तरह का कोई धर्म बनाने वाले जो है उस सेंस में देखना नहीं चाहिए वो एक ब्रॉड इंडिक ट्रेडिशन जो है उसका एक हिस्सा थे। उसको आप सनातन धर्म कह लीजिए इंडिक ट्रेडिशन कह लीजिए भारतीय संस्कृति कह लीजिए बुद्धिज्म और भारतीय संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति पैरलर ही है बिल्कुल आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते एक सिक्के के दो पहलू जैसा कि प्रोफेसर कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी संस्कृति और जो बुद्धिज्म है वो लगभग पैरलर चलता है जब हम इसको अपनी आने वाली पीढ़ियों को देते हैं तो उसको किस तरीके से उनको उस वो उस वो समझ को समझें क्योंकि जिस तरीके से प्रोफेसर ने भी कहा और आपने भी शुरुआत में कहा कि बुद्ध ने कुछ अलग नहीं बताया है उन्होंने मानवता का धर्म जो है हम अच्छे इंसान कैसे बने हम अच्छे प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाएंगे पर हम अच्छे इंसान कैसे बने ये शायद बुद्धिज्म है आने वाली पीढ़ी कैसे इसको अपने भीतर ले इसके लिए बड़ा अच्छा एक वाक्य याद आता है उनके समय की एक कहानी मिलती है हमें ग्रंथों में भी उनकी कथाओं में तो वो प्रवचन देते थे हाँ बैठ के रोज बुद्ध महात्मा बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठ के प्रवचन दे रहे हैं एक व्यक्ति रोज आता था उनके पास काफ़ी महीने भर से आ रहा था और सुनता था वो भी देख रहे थे ये भी वो श्रावस्ती से आ रहा है लुम्बिनी रोज सुनने अच्छा आ, कुछ दिन बाद वो बोलता है वो भी उग गया है ना वो कहता है कि आ, बुद्ध भगवान जी भैया मुझे रोज वही आप बात बोलते हो अब कुछ नहीं बात कुछ मतलब बोर हो जाता हूँ मैं आप वही बातें रोज रिपीट करते हो आप कहते हो क्रोध नहीं करो लालच नहीं करो झूठ नहीं बोलो लड़ो नहीं बैर नहीं करो मुझसे तो ये हो नहीं रहा है आप नहीं आप ये कह रहे हो कहते रहते हो रोज यही बात एक ही बात तो पूछते हैं तुम कहाँ रहते हो कहाँ के हो ये यहां का भाई तो यहाँ आते हो कितना समय लगता है उसका तुम एक कदम भी तो चलो उसका पालन करने बस सुनने से तो नहीं होगा ना तो यही मैं भी आपको वही शुरू में कि हमें एक तो बच्चों को विद्यार्थियों को करके दिखाना है उनका भी प्रयास होना चाहिए और यही प्रयास बुद्ध जी के मेडिटेशन और अपनी सारी टीचिंग्स के थ्रू उन्होंने बताया कि भाई बैठे-बैठे तो तुम गंतव्य तक पहुंचोगे नहीं है ना तो तुम उठो दो कदम तुम चलो, तुम चलो, इतनी दूर से मुझे रोज़ सुनने वही सुनने आ रहे हो और अभी तुमने उसके लिए तो कोई प्रयास किया ही नहीं तो कहने का मतलब है हम सबको थोड़ा प्रयास करके कहा आगे ले जाए तब तो कहीं दुनिया आगे बढ़ेगी अब हम सोचते हैं नहीं हम बुद्ध बन जाएं बैठे बैठे या हम अच्छे हो जाएं या हम युद्ध को रोक दें ऐसे हमें सबको मिलके मेहनत करनी होगी प्रयास करनी होगी उस सोच को अपने भीतर तो कहीं कहीं कही आपने आत्मसात किया आपने पहले समझा उस व्यक्ति ने समझा बोर हो रहा था वो तो बोले कि तुम अगर उसको एक्चुअली हासिल करना है ना तुम्हें तो तुम उसके लिए थोड़ी मेहनत करो तुम्हें अच्छा लगेगा ये चीज यहाँ तक पहुँचते नहीं हैं हम सब लोग ऐसे ही हैं और उसके लिए उन्होंने बड़े सारे मार्ग बताए मेरे अब इसी से आगे अगर बात चले तो तरह तरह के हैं उसके ब्रांचेस हैं बुद्ध धर्म के है ना थेरावाड है हीनयान पहले था महायान तो अभी आधी से ज़्यादा दुनिया में वही है चीन जापान पर अब तिब्बतन बुद्धिज्म है कई सारे ऐसे जैन हैं जो उसी में से महायान में से निकला काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं चैंटिंग के है ना सोका गई वगैरह मैंने मेरी बहुत सारी कलीग्स करती हैं तो उन्होंने उसके सिद्धांत अपनाए तरीका थोड़ा थोड़ा अलग कर बदलता है लेकिन है। वो है तो मेन ब्रांच बुद्धिज्म है है ना मेन ब्रांच जिसने वो सिखाया सबसे अच्छा तो लगता है इनको दलाई लामा जिस तरह से वो उन्होंने बौद्ध धर्म को एक नया रूप दे दिया, ना मॉडर्न पीरियड में अगर हाँ, को एक हाँ, पहचान दी तो जरूरी है, क्योंकि उसके साथ वो उनकी स्ट्रगल जुड़ी हुई थी अब आप ये सोचिए कि एक सात साल का बालक जो जिसको लामा घोषित कर दिया पंद्रह साल में उसने घर छोड़ा पच्चीस साल में उसको देश छोड़ना किस तरह से वो दौड़ भाग के बचते हुए छिप के इंडिया तक पहुंचे उनको तो मतलब कुछ सा, पचास साठ बस भिक्षु उनके साथ आ सके यहाँ आके उन्होंने जिस तरह से उन्होंने दुनिया में ये प्रचार किया ये तो बहुत ही और है। ए, एक चीज उसमें मैं और जोड़ूंगी बुद्ध को जो आ, जो पिछले कुछ समय में शायद कहीं उनका बुद्धिज्म या बुद्ध की जो एक व्यक्तित्व था वो कहीं खोसा गया था उसे उन्होंने और हाँ। आगे बढ़ाया प्रमोट किया उसको दलाई लामा को देखिए वो हंसते रहते हैं सदैव वो कहते हैं कि, कि कम्पैशन इनसाइड इन साइड है ना सबके प्रति दया भाव सत्य बोलो और एकदम ट्रांसपेरेंट रहो उनके ऊपर कितने सारे डॉक्यूमेंट्रीज हैं कितनी मुझे तो लगता है ये देखना चाहिए ये कार्यक्रम बुद्ध के, के अष्ट मार्ग पर मैम आप अभी आपसे चर्चा करेंगे सर एक जो बात आपने बहुत शुरुआत में कही थी वसुधैव कुटुंबकम की बात अगर हम बुद्ध को देखें तब जब आज की तारीख में युद्ध बारूद के गोले पर विश्व बैठा हुआ है प्रतिस्पर्धा इतनी तेज है हमें जीतना है हमें जीतना है जमीन कब्जाने से लेकर और अपना वर्चस्व बनाने तक उस समय बुद्ध विश्व के परिपेक्ष में कहा आप उनको देखते देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा बुनियादी समस्या जो है वो है रिसोर्सेस संसाधन जो हैं हमारे पास उपलब्ध वो हमारे भारत के लेवल पे देख लीजिए या विश्व के लेवल पे देख लीजिए उनकी जो एक्सेस अवेलेबल है वो पूरी नहीं है सभी के पास जिसको अंग्रेजी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं उदाहरण के तौर पे दुनिया के दो प्रतिशत लोगों के पास लगभग नब्बे प्रतिशत संसाधन जो है उनके ऊपर कब्जा दो प्रतिशत आबादी का अठानवे प्रतिशत आबादी के पास बाकी दस का है और उसमें आगे और देखेंगे आप तो चालीस परसेंट के करीब दुनिया की पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास आधे परसेंट से भी कम संसाधन अवेलेबल है ये प्राचीन काल में भी होता था तो इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है डिप्रीवेशन कहीं ना कहीं लोगों का हुआ कहीं ना कहीं लोगों के साथ अन्याय हुआ उस अन्याय को ठीक करने की जरूरत है उस टाइम पे बुद्ध भी इसी चीज को बात करते थे कि उन्होंने एक सूत्र में जिसका नाम अगैया सूत्र है बड़ी हुँ, अच्छी हुँ। बात की उन्होंने यह कहा कि अगर आपने किसी का किसी को डिप्राइव कर दिया किसी का हक मार लिया उसको हक वो मिला नहीं उसके साथ शांति कैसे हो सकती है वो शांति को कैसे समझेगा इसीलिए जो है डिप्रीवेशन जो उसको खत्म करने की जरूरत है तो इसलिए जो आज की हमारी सरकार भी है वो इसलिए बार बार हमारे प्रधानमंत्री भी जो है बुद्ध का नाम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिक यही बात करी कि डिप्रीवेशन जो है इनजस्टिस जो है उसको हटाने की जरूरत बिल्कुल बुद्ध पर जितनी बातें की जाए वो शायद कम है और इस एक एपिसोड में बुद्ध और बुद्धिज्म को समेट पाना और वो भी इतने अच्छे मेहमानों के साथ शायद संभव नहीं है हम अगले एपिसोड में ही बुद्ध पर भी चर्चा करेंगे और बुद्धिज्म को जानेंगे हमारे इन्हीं मेहमानों के साथ फिलहाल आज के एपिसोड के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अगले प्रोग्राम में भी यही दो मेहमान होंगे और हमारे पास गुफ्तगु का जो मसला होगा वो बुद्ध और बुद्धिज्म ही होंगे आज के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार आदाब